नंदीग्राम में चुनाव के बीच ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूमिका नहीं किसी बोलते हैं दीदी अमित शाह क्या करेगा बेचारा, वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है, क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम आउट भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन माइक कर दी। तो ममता बनर्जी ने जीत का दावा किया, कहा मतदान के दिन पीएम रैली क्यों कर रहे हैं, सवाल उठाया, साथ ही मतदान के लिए अपने लिए आश्वस्त दिखी। उनका कहना है कि वो नंदीग्राम का रण जीत रही हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी जीत का दम भरा है। आपको बता दें ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह से उनके चेहरे पर एकदम शांत स्वभाव थे, क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने और क्यों पीएम पर साधा निशाना, आइए आपको सुनवाते हैं। দিদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে কিছু বলবেন? পিছুচ্ছে কেন দিদি? অমিত শাহ স্বরাষ্ট্র बेचारा। चलिए, तो ममता बनर्जी यहां पर पूछ रही हैं क्या यह चुनाव का उल्लंघन नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है कि पीएम जो है आज मतदान हो रहा है दूसरे चरण का 30 सीटों पर और वो रैली कर रहे हैं, मतदान के दिन पीएम रैली क्यों करते हैं, यह सवाल उठाया है ममता बनर्जी ने। और उनका कहना है कि उस बाबत शिकायत भी करेंगी, क्या यह चुनावों का उल्लंघन नहीं है। चुनाव पर्यवेक्षकों से बातचीत हुई है और इस बीच जब उनसे नंदीग्राम को लेकर सवाल पूछा गया कि नंदीग्राम में क्या स्थिति है, उनकी क्या लग रहा है वोटर टर्नआउट को देखकर, 3:30 बजे तक 71% वोट जो है वो अब तक बंगाल में हुआ है वोटर टर्नआउट ओवरऑल, तो ममता बनर्जी का कहना है कि वो बंगाल जीत रही है। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र पुंजीर, हमारे संवाददाता जो पिछले एक लंबे वर्षे से पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, वो जुड़ गए हैं नंदीग्राम से। नंदीग्राम में धीरेन्द्र जी, कहा जा रहा है ये मदर ऑफ ऑल बैटल है और इसमें जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को हमने देखा मुस्कुराते हुए हंसते हुए वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, वहीं ममता बनर्जी पसीना पोंछती हुई और बौखलाहट में नजर आई, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आ रही है? देखिए, अगर मैं ये साफ कहूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी उस बूथ में जाकर बैठी, उस जगह पर जाकर बैठी जहां की, अगर उस बूथ को देखें तो इसलिए क्योंकि वो बूथ जो है हिंदू बाहुल्य बूथ है, 977 वोटों में से जो लोग वहां थे उनका कहना है कि एक भी वोट नहीं, लेकिन अगर इसको देखते हैं तो उसमें बहुत ही कम या शून्य के बराबर वोट है और वो वोट सीधा सीधा जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग वोट डाल रहे थे। उसके बाद उनको वहां उसी गांव के सामने जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ से कॉल आई, हालांकि उनका कहना ये था जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे कि ये बूथ नंबर 4 के लोग हैं जहां हम लोग बूथ में नहीं जाते हैं। तो उसके बाद इस लड़ाई के बाद मुख्यमंत्री वहां बैठी रही, उन्होंने लगातार अधिकारियों, गवर्नर को फोन किया, इसी में फोन किया, उसके बाद अधिकारी जो स्पेशल आईपीएस यहाँ के लिए बनाए गए थे नागेंद्र त्रिपाठी वो पहुंचते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर पहुंचते हैं, उसके बाद लंबा पूरी कोशिश की जाती है कि किसी तरह
वो जो है इस पूरे मसले को सुलझा सके, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद ये लगभग 40-45 मिनट तक वो अंदर बैठे रहे। इसी बात पे मैं ये भी बता दूं कि जब मैंने बात की जो बूथ में उस समय वोट डाल के निकले, उन लोगों ने कुछ भी कैमरे में बाकायदा 2-3 लोगों ने भी बोला, उन्होंने सीधा जय श्री राम बोल दिया। उन्होंने पूछा जैसे ही कि आप किस बात पर कर रहे हो, तो जय श्री राम, यानी वो बूथ जो है बेसिकली शुभेंदु अधिकारी की तरफ वोट करता हुआ दिख रहा था। जहां ममता बनर्जी पहुंची वहां उन्होंने लगभग 40-45 से 50 मिनट तक दिया, और उस दौरान बाहर दो दो जो समुदाय एक दूसरे से भिड़ते हुए दिख रहे थे। बहुत ही जो आपने विजुअल देखा होगा वो बहुत ही मतलब अभी तक का देखा गया इस तरह का विजुअल मेरा बहुत ही कम होगा इतने लंबे सालों में, कि मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री अंदर बैठी है और बाहर ये सब चल रहा है। ये बताता है कि कितना एक हाई वोल्टेज चुनाव था, और ये तय था कि जैसे ही ममता बनर्जी निकलेंगी तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल क्रिएट होगा, क्योंकि शुभेंदु सुबह से थे, उसके बाद 1:15 बजे ममता ने गांव वालों का कहना है कि वो 11 बजे से कह रहे थे कि वहां बीजेपी को लोगों ने छापा मार दिया है, बीजेपी से वोट छापा कर रहे हैं, और यही बात ममता बनर्जी बोल रहे हैं। लेकिन अगर बात कीजिएगा, अगर आप वहां जाकर देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि ममता बनर्जी जी। तमाम अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।